हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 3 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3A की फोर्थ वीडियो है। स्टूडेंट, क्लास 8 के जितने चैप्टर्स की वीडियो बनी है उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्लास 6 और क्लास 7 बुक आर एस अग्रवाल के चैप्टर्स की ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वेयर इज द न्यू नंबर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या क्या है कि हमें क्या नंबर मतलब कि ऐड करना चाहिए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए बन जाए, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमने एक तो नंबर फाइंड करना है कि किस नंबर को हम ऐड करेंगे कि वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसके लिए हम वही करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। जैसे 3, 6, 7, 5 है, 3, 6, 7, 5। अब यहाँ पर 5 है, अब हम देखते हैं इसका इनको ऐड करने पर कितना आता है। 6 + 3 9, 9 + 7 9 + 7 16 + 5 21। इसका मतलब ये जो है 3 से चला जाएगा। तो 3 1 3, 3 2 6, आगे 7 है इसके नज़दीक, 3 2 6 आएगा, रिमाइंडर 1 15, 3 5 15। आगे स्टूडेंट्स, इसका कितना बना, 5 + 2 7 + 3 10 बनता है, तो 3 पे नहीं जाएगा तो 5 पे चल जाएगा क्योंकि इसके यूनिट नंबर 5 है। तो 5 2 10, 12 में से 10 लेस गया, 2 रिमाइंडर बचा, 22। अब 22 के नज़दीक आता है, 5 4 20, 22 में से 20 लेस गया, 2 रिमाइंडर, 25, 5 9 45, 5 5 25, 20 ना, 5 5 25, 245 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगेन 5 पे चला जाएगा, 5 4 20, 24 में से 20 लेस गया, रिमाइंडर 4, तो 45, 5 9 45। फिर 7 7 49, 7 1 7। तो 3 6 7 के 5 के फैक्टर क्या हुए, 3 × 5 × 5 × 7 × 7, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, जो 5 है इसका एक पेयर बन गया, 7 का एक पेयर बन गया, पर 3 जो है एक अकेला है, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर जो फैक्टर्स हैं ना, फैक्टर्स जो नंबर्स हैं वो पेयर्स में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर हम इसमें 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, सो 3 should be multiplied, मतलब कि अगर हम 3 से, तो ये 3 का पेयर बन जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या न्यू नंबर लें, तो यहाँ पर आप न्यू नंबर भी लिख सकते हैं, न्यू नंबर करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, हुज न्यू नंबर, ठीक है। तो अब हम ये क्या बन गया हमारा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। अब इनको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 15 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 105 का स्क्वायर। तो न्यू नंबर क्या है, 105 का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं, न्यू नंबर इज 105, ठीक है। अब हम पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2 हमारे पास है 2 1 5 6। अब हम 2 1 5 6 के फैक्टर बनाते हैं। अब लास्ट में क्या है, 6 है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर यूनिट नंबर में 0 2 4 6 8 आए तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 है, 1 जो है 2 से स्मॉलर है, इस चीज को ध्यान से समझो। अगर आपने जैसे डायरेक्ट करना है ना, तो जैसे यहाँ पर ये पूरा कट गया हमारा, 2 से कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया, 1 जो है 2 से स्मॉलर है तो ये नहीं जा सकता, तो इसका हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे और फिर साथ में ये वाला डिजिट ले लेंगे, तो बन गया 15। अब 15 के नजदीक क्या है, 2 7 14, और रिमाइंडर 1 16, 2 8 16, ठीक है। अब फिर 2 के टेबल से जाएगा, 2 5 10, अब 7 के नजदीक है, 3 6,
रिमाइंडर 1, 2, 9 is 18। अब ये किस पे जाएगा, 5, 3, 9 है तो किस पे जा सकता है, पहले देख लेते हैं। ठीक है, टेबल में 9 आता है तो इनको ऐड करके देख लेते हैं, 9 + 5 कितना होता है, 14 + 3 = 17। तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 3 के टेबल में 17 नहीं आता। अब 9 आता है 7 के टेबल में, 7 × 7 = 14 होते ना, 49 होते ना, तो यहाँ पर किससे जाएगा, 7 × 7 = 49। ठीक है, अब 53 में से 49 को लेस किया तो 13 में से हमने 9 लेस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7। ठीक है, 7 लेस कर देंगे हम, 4 बचेगा। ठीक है ना, 13 में से 9 लेस करना है तो हमारे पास 4 बचेगा यहाँ पर, तो 47 के टेबल में चल जाएगा। हाँ, 7 × 7 = 49। 53 में से हमने 49 को लेस किया तो 4 बचा, 49 आ गया, 7 × 7 = 49। फिर 7 × 11 = 77, फिर 11 × 1 = 11। तो इसके फैक्टर क्या हुए, 2, 1, 5, 6 कितना हुए, 2 × 2 × 7 × 7 × 11। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, सिर्फ 11 का पेयर नहीं बन रहा। ठीक है ना, अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 का पेयर बना देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो 11 शुड बी मल्टीप्लाई। इन्होंने पूछा ना विच लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट, 11 शुड बी मल्टीप्लाइड। अगर ये टू गेट परफेक्ट स्क्वायर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सो न्यू नंबर क्या हो गया, 2 × 2 × 7 × 7 × 11 × 11, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तो 2 × 7 × 11 का स्क्वायर। अब हम 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 77 को 2 से मल्टीप्लाई, 154 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यू नंबर इज 154 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है पार्ट 3, 3332। 3332। अब ये 2 के टेबल में चल जाएगा, 2 × 1 = 2, रिमाइंडर 1, 13 बन गया, 2 × 6 = 12, फिर रिमाइंडर 1, 13 बन गया, 2 × 6 = 12, फिर रिमाइंडर 1, 12 बन गया, 2 × 6 = 12, फिर अगेन 2 पे चला जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है 3 है, 2 पे तो जाएगा नहीं तो किस पे चला जाएगा, 3 देखें, 3 + 3 = 6 + 8 = 14 होता है, नहीं और किस पे जा सकता है, 4 पे नहीं जाएगा क्योंकि 4 इवन नंबर है, 5 में यूनिट नंबर 0, 5 होना चाहिए, 6 में इवन नंबर है, 6 पे नहीं जा सकता तो ये जाएगा 7 के टेबल में करके देखें, 8, 33 को हमने 7 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, 7 × 1 = 7, रिमाइंडर 1, 13, फिर इसके नजदीक 7 ही आएगा, 13 में से 7 लेस किया, 6, 63, 7 × 9 = 63। हाँ, तो ये 7 के टेबल में चला जाएगा। ठीक है ना, काट के कितना आया, 119 आया, फिर अगेन ये 7 के टेबल में चल जाएगा, 7 × 1 = 7, 11 में से 7 लेस किया, 4 रिमाइंडर बचा, 49, 7 × 7 = 49 आ गया। ठीक है, अब 17 × 1 = 17, तो इसके क्या फैक्टर बने, 3332 के 2 × 2 × 7 × 7 × 17। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 पेयर में है, 7 पेयर में है, सिर्फ 17 जो है पेयर में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे सो 17 मस्ट बी मल्टीप्लाई, मस्ट बी या शुड बी लिख लो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाइड सो न्यू नंबर इज। मैंने कहा किसी भी तरह लिख सकते हो, हमने तो बस उनके जो क्वेश्चन पूछे ना उसका रिप्लाई देना है, लैंग्वेज अपनी कोई भी बना सकते हो हम। तो 2 × 2 × 7 × 7 × 17 × 17। ठीक है, तो कितना है, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, तो 2 × 7 × 17 ये बाहर स्क्वायर आ गया। अब हमने करना है 2 × 7 = 14, अब 14 को हमने 17 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर वैदिक मैथ की ट्रिक यूज करते हैं, दोनों तरफ लेस देन 20 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 14 में ये 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 + 7 = 21, 0 लगाएंगे
नेक्स्ट स्टेप में फिर 4 7 20 8, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर? 4 7 20 8, तुम्हारे पास आंसर आ गया 238 का स्क्वायर। तो न्यू नंबर क्या आ गया? 238 का स्क्वायर। अगर हम 17 करेंगे तो हमारे पास ये 238 का स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट फोर। पार्ट फोर है 2925। अब हम देखते हैं इसका फैक्टर लेते हैं, तो इसको हम किस पे जाएगा? 2925 है, 3 से देख लेते हैं, 5 9 प्लस 2 11 प्लस 5 11 प्लस 5 16 प्लस 2 18, तो 3 से कट जाएगा जी। ठीक है ना, 3 9 27, क्योंकि 29 की 27 आता है, रिमाइंडर 2 22 बन गया, 3 7 21, 3 5 15। आगे जी किस पे जाएगा? फिर इसको देख लेते हैं, इसकी डिविजिबिलिटी बनती है। जो 3 की डिविजिबिलिटी पता क्या है? इन नंबर्स को ऐड करके ना, जो नंबर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है ना, अब 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21, तो भी कट जाएगा क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है। 3 3 9 पूरा कट गया, 3 2 6 रिमाइंडर 1 3 5 15। आगे जी किस पे कट जाएगा? 5 प्लस 7 10। अब ये 10 आ रहा है, 3 के टेबल में 10 नहीं है तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 5 है तो 5 से हम डिवाइड करके देखते हैं, तो 32 के नीचे 5 6 30 आते हैं। फिर 25 5 5 25, अगेन 5 पे जाएगा, 5 1 5 और 5 3 15, फिर 13 1 13। ठीक है, इसके फैक्टर क्या बनाए? 2925 के 3 × 3 × 5 × 5 × 13। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि जो 13 है ये मतलब ये सिंगल नंबर है, क्योंकि पेयर में होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि जो फैक्टर्स हैं उनके नंबर जो हैं पेयर्स में हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें जो 13 जो लिस्ट नंबर है, जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे सो 13 should be multiplied, so new number equal to 3 × 3 × 5 × 5 × 13 × 13, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अब 3 × 5 × 13 कॉमन है ना 2, अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये मैं ना आपको, वैसे मैं 13 5 का करके फिर 65 3 से कर सकती हूँ, पर ये मैं आपको दोबारा से वो ट्रिक बताना चाहती हूँ ताकि वो ट्रिक भी आप इसको सीख लें। ठीक है, वैसे मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है, वो मैं लिंक अगर आपको चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। 3 5 15 है और मल्टीप्लाई 13 करना है, बोथ साइड लेस देन 20 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 15 में ये जो हमारे राइट साइड डिजिट होता है इसका लास्ट डिजिट को हम ऐड करेंगे, 15 प्लस 3 18, तो अब उसके बाद जीरो लगाया 180 बन गया। फिर हमने ये दोनों तरफ के जो सेकंड डिजिट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 15, तो हमारे पास क्या आ गया 195 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया? 195 का स्क्वायर। तो न्यू नंबर क्या आ गया? 195 का स्क्वायर आ गया। अब हम पार्ट फाइव करेंगे। पार्ट फाइव क्या है हमारे पास? 9075। तो 9075 की हम क्या लेंगे? फैक्टर लेंगे, तो ये किस पे कट जाएगा? 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21, तो 3 के टेबल 21 आता है तो इसकी 3 से डिविजिबिलिटी बनती है, तो कितना आ जाएगा? 3 3 9। अब 0 हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है ना, जब भी हमने ऐसे आता है तो ये पूरा डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पर 0 तो 0 हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि 3 0 से 0 ही होता है ना। तो 3 2 6 रिमाइंडर 1 15, 3 5 15। अब ये किस पे चल जाएगा? 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10, 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, अब 5 के टेबल पे चला जाएगा, 5 6 30। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 जो है हमारा रिमाइंडर बच्चा है, पर 2 है नेक्स्ट नंबर, 2 जो है 5 से स्मॉलर है तो ये तो जा नहीं सकता, तो इसकी जगह हम 0 लगाएंगे। अब 25 बन गया, तो 5 5 25, अगेन ये 5 के टेबल चलेगा, 5 1 5 रिमाइंडर 1। अब यहाँ पर 10 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर आ गया, तो ये 10 बन गया, 5 2 10 5 1 5। अब यहाँ पर 121 है, तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है, तो 11 1 11। अब इसके हमारे पास क्या फैक्टर्स बन गए? 3 × 5 × 5 × 11 × 11। अब बच्चों देखो 5 5 जो है स्क्वायर में है और ये भी पेयर में है, 3 हमारा पेयर में नहीं है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे
सो थ्री शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ टू गेट अ परफेक्ट स्क्वेयर. मतलब पूरा लिख दो या इतना भी लिख दोगे तब भी चलेगा. ठीक है, तो अब हमारा सो न्यू नंबर क्या हो गया, 3 × 3 × 5 × 5 × 11 × 11. अब 3 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर, 11 का स्क्वेयर. अब 3 × 5 × 11, ठीक है, कॉमन है आ गई ये. अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 × 3 = 15, 15 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है ना, वैसे तो आप 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ गया, 55 को 3 से मल्टीप्लाई 165 इजिली आ जाएगा. पर ट्रिक समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ. तो अब ये दोनों तरफ लेस देन 20 डिजिट है, तो 15 में ये सेकंड नंबर को ऐड करना है. यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप में ऐड करना है, 60 बन गया, अब जीरो लगा देंगे. ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 = 5, तो 160 × 5 कितना हो जाएगा, 165 का स्क्वेयर. तो इसका न्यू नंबर क्या आ गया, 165 का स्क्वेयर. अब हम करेंगे पार्ट 6. पार्ट 6 क्या है, 7 × 6 = 23. इसकी जो डिविजिबिलिटी किससे बनती है, 7 + 6 = 13 + 2 = 15 + 3 = 18. 3 से चला जाएगा, 3 × 2 = 6. 7 में से 6 लेस किया तो बन गया रिमाइंडर 1 बचा, 16. 3 × 5 = 15, फिर रिमाइंडर 1. 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3. अब इसकी डिविजिबिलिटी देख लेते हैं किस पे है, 2 + 5 = 7, 8 + 4 = 12. तो 12 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में कट जाएगा, तो 25 के नजदीक क्या आता है, 3 × 8 = 24, रिमाइंडर 1. 14. 3 × 4 = 12, रिमाइंडर 2 = 21, 3 × 7 = 21. आगे ये किस पे चले जाएगा, 8 + 4 = 12 + 5 = 7 = 19 होता है, 3 से जाएगा नहीं. तो 4 के पता है कि यहाँ पर इवन नंबर, 4 और 6 इवन नंबर है, 5 में यूनिट नंबर है, 5 = 0 होना चाहिए. फिर सीधा 7 पे करके देख लेते हैं, 7 पे कट जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7. अब 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो 11 × 1 = 11. तो इसके क्या फैक्टर बने, 7 × 6 = 23 के 3 × 3 × 7 × 11 × 11. अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 3 का पेयर है, 11 का पेयर है, 7 का कोई पेयर नहीं है. तो हम लिखेंगे सो 7 शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई. सो न्यू नंबर क्या करेंगे, 3 × 3 × 7 × 7 × 11 × 11. 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो 3 × 7 × 11 का स्क्वायर आ जाएगा. अब हम 3 × 7 = 21, अब यहाँ से कर लेते हैं हम, 11 × 7 = 21, और 21 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर, नहीं 11 × 7 = 77, सॉरी बच्चों यहाँ पर 11 × 7 = 77, 77 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है ना, 3 × 7 = 21, 12 कह रही है, 3 × 7 = 21 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 231. ठीक है, तो जब मुझे कभी डाउट हो तो दोबारा से एक बार करके देख लिया आपने, तो जो न्यू नंबर क्या आ जाएगा, 231 का स्क्वायर. अब हम सेवेंथ पार्ट करेंगे. सेवेंथ पार्ट क्या है हमारे पास, 3380 टू में चला जाएगा, 2 × 2 = 2, रिमाइंडर 1 = 13, 2 × 6 = 12, रिमाइंडर 1 = 18, 2 × 9 = 18, 0. फिर 2 के टेबल में 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10. अब ये किस पे चल जाएगा, 8 + 4 = 12 + 5 = 17, नहीं 3 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 5 के टेबल में 5 × 5. अब यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचा 34, तो 34 के नजदीक क्या आता है, 6 × 30 और 5 × 9 = 45. अब ये 169 किसी भी टेबल पे नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये किसी का स्क्वायर है. तो स्टूडेंट्स ये अभी तक आपको वीडियोस, अगर आपने सारी वीडियोस देखी है ना चैप्टर 3 की, तो आपको पता चल गया होगा जो 169 है वो 13 का स्क्वायर है. ठीक है ना, 13 × 13 13 + 3 = 16, 0 आया, 3 × 3 = 9 116 का स्क्वायर आ गया, 13 का स्क्वायर आ गया 169. ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बन गए 3380 के, 2 × 2 × 5 × 13 × 13. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 का पेयर बन गया और 13 का पेयर बन गया, 5 जो है हमारे पास सिंगल रह गया, तो हम लिखेंगे सो 5 शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर.
यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमने निकाल दिया। अब हमने न्यू नंबर निकालना है, सो न्यू नंबर क्या होगा, 2 × 2, 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर, 13 × 13, तो 2 का स्क्वायर बन गया, 5 का स्क्वायर बन गया, 13 का स्क्वायर बन गया, तो 2 कॉमन, 2 जो स्क्वायर है वो हमारा कॉमन आ गया क्योंकि सभी में स्क्वायर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 5 जा कितना होता है 65, और 65 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 130 का स्क्वायर। तो इसका जो हमारे पास स्क्वायर क्या आया, 130 आया, इसका जो न्यू नंबर जो है 130 का स्क्वायर है। क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है 2475, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स इसका हमने बनाया, तो 7 + 4 = 11 + 5 = 16 + 2 = 18, 3 के टेबल कर जाएगा, तो 3 × 8 = 24 हो गया, 3 × 2 = 6, रिमाइंडर 1, 3 × 5 = 15, अब 5 + 2 = 7 + 8 = 15, तो ये फिर अगेन 3 के टेबल चल जाएगा, 3 × 2 = 6, रिमाइंडर 2, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, आगे ये किस पे जाएगा, नहीं अब 3 के टेबल में नहीं कटेगा, अब 5 के टेबल में चल जाएगा, 5 × 5 = 25, 27 में से 25 को लेस किया, रिमाइंडर बचा 2, तो फिर 5 × 5 = 25, फिर 5 × 11 = 55, फिर 11 × 1 = 11, तो इसके फैक्टर क्या हुए 2475 के, 3 × 3 × 5 × 5 × 11, अब इसका पेयर बन गया 3 का, 5 का पेयर बन गया, 11 जो है हमारा सिंगल रह गया, तो हम इसमें अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सो 11 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो न्यू नंबर क्या होगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 11 × 11, अब बन गया 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 3 × 5 × 11 स्क्वायर आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो 247 का 5 का क्या है, न्यू नंबर क्या होगा, 165। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लिया, आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे।